क्या होता है ना सोनम, हमारे यहाँ मूवी लगती नहीं है। मतलब शुक्र है ना जी सोनम बोला। फिर पूरी ट्रेनिंग दो ना, पूरी ट्रेनिंग दो। अच्छी मूवी करने में कौन सी क्यों कह रहा है? सोनम सोनम, मैं सब ऑडियंस को भी बोलना चाहूंगी, प्लीज इनसे पूछे मैं ये मुझे दीदी क्यों बोल रहे हैं। तो आज है हमारा एक छोटा सा शूट है सोनम बाजवा के साथ, तो हमें वहां जाना है। उससे पहले मुझे सैलून जाना है क्योंकि मैं हेड वॉश करवाना है, बहुत बाल ऑयली हो रखे हैं, एक दो चीज लानी है, तो इसलिए मैं फटाफट उठी हूँ 9 बजे। फिर भी घर से निकलते निकलते मैं 10:30 हो गए हैं। इतना भी जल्दी करो लेट हो ही जाता है। हम 10:30 घर से आए थे, 11:30 हो गए, जबकि मुझे लग रहा था आधे घंटे काम है। अब 10 मिनट में मुझे सामान पिक करना है और फटाफट से निकलना है और जाके रेडी हो जाना, बाकी जो काम बचेगा गाड़ी में कर लूंगा। पति हो तो ऐसे हो, खुद भीग गए लेकिन मुझे बचा के लेके आए, क्योंकि हम लोगों के पास एक ही छाता था और उसमें एक ही बंदा फिट हो सकता था। तो किसी एक ही छाता था क्योंकि एक ही होता है वो, चार छाते रख के कौन नहीं। और इन्होंने मुझे अपने आगे से कवर कर लिया और मेरे ऊपर छाता दे दिया और खुद भीग गए, क्योंकि मैंने बाल अभी वो करवाए थे, वॉश करवाए थे, अगर मेरे बाल भीग जाते तो फिर से बेकार हो जाते। और हमारा सामान मिल गया है, बाहर जा रहे मतलब अरे मेरा है जो आपका है, आपका है जो मेरा है, तो हमारा हुआ। इतनी बारिश में मुझे बचा के ले आए और खुद देखो सारे भीग गए। ड्रायर करना है, ड्रायर करके मैं फाइनली रेडी हो जाऊंगा। तो मैंने आज वेयर किया है ये टी शर्ट विद व्हाइट जीन्स एंड व्हाइट स्निकर्स। वाह कूल लग गया बिल्कुल। पता यू भी हम किससे मिलने जा रहे हैं आज? पक्की बात है, अभी बता देता हूँ। देखो जो जिनकी दलजीत के साथ मूवी आई थी हौसला रख, सोनम बाजवा वन एंड ओनली। क्या तो अभी चलते हैं करके आते हैं शूट अच्छे से। अगर आप लोग कहीं शूट पे जा रहे हो तो सबसे मेन जो है चार्जर, अपना चार्जर ना बोले बस। मैं कुछ लग रहा हूँ ऐसा वो, यहाँ पे भैया का हार्ड वर्क आप देख सकते हो, पता नहीं ब्लर दिख रहे हैं शायद, बारिश पे दिख नहीं रहे, ये ड्रॉप पे फोकस कर रहा है। तो वहाँ पे एक भैया है जो ट्रैफिक पुलिस में है, वो बेचारे नंगे पांव ट्रैफिक ठीक कर रहे हैं। हिम्मत है भाई साहब, मतलब उन्होंने शूज, ये देखो ये देखो शूज निकाल के साइड रख दिए, ये ब्लर हो रहे जब मैं उधर कर रही हूँ। हाँ शूज रख दिए उनके, पानी है कितना फिलहाल। तो हम लोग आ चुके हैं लोकेशन पे, GW मैरियट, और बारिश का इतना बुरा हाल है मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं उतरूंगी कहाँ। लॉबी के बाहर ऑलरेडी इतनी गाड़ियां लगी हुई है और मैं बिना इसके नहीं उतर सकती, क्योंकि मैं नहीं रिस्क ले सकती, जरा भी इतनी भी गिली होगी तो मेरा सारा बाल वाल गिली हो जाएंगे, हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा, आगे बड़ी मुश्किल बनाया मैंने आज। तो बढ़िया वाला टास्क ही हो गया भाई साहब, यहाँ आने तक उन्होंने चप्पलों में भी आधा आधा इंच पानी है। बता ढंग की जगह नहीं मिली थी मुझे। गाइस इसका करा धरा है सब कुछ लाले का मेरे, कहता हूँ मुझे फोन करके यार जब कोलैब वाला व्लॉग बनाओगे, मतलब लाइक वीडियो बनाने जाओगे तो मेरी कंपनी का नाम ले दियो। क्या नाम है मेरी अपनी कंपनी? अर्बन मीडिया। अमीदिया। जब आपके बर्थडे की प्लानिंग कर रहे थे, भैया का पहला फोन आता था ना, मैं एकदम फोन उठा लेती भैया बताओ। अरे अब भी उठा रहा मैं, अब तो सारा काम टाइम फोन। सो जो आज हम ये वीडियो करने जा रहे हैं, इसका टोटल क्रेडिट जाता है खुशी को, क्योंकि खुशी ने दोनों कॉन्सेप्ट बनाया। अगर अच्छे बने होगी कैसे भी कैसे भी ये वीडियो ठीक है बढ़िया। मुझे लिटरली पंजाबी समझ नहीं आती थी ना, मैं पंजाबी मूवी मैंने कभी देखी, तो खुशी मुझे फोर्सफुली वो देखने गई हम हौसला रख, और बिलीव मी मतलब आपने इतना अच्छा किया हुआ है इसमें, मतलब ट्रस्ट मी, तो मुझे तो जब मिलूंगा तो मैं आपको बोलूंगा, लेके घूम रहा था उस बात को। आपको आती है? मैं उत्तराखंड से हूँ। फिर खुशी ने मुझे पंजाबी सिखा दी, अब तो खैर आती है, अब तो समझ में भी आती है, बोलने पड़ दिया इंडस्ट्री में काम करें तो सारी की बोल रहा हूँ दस मेरे घर वालों ने इसी कंडीशन में शादी करी थी, लड़कियों को पहले पंजाबी आनी चाहिए। इतने तो शॉर्ट्स लगाने का टाइम भी होगा नहीं होगा पता नहीं, नहीं वो फिर अच्छे फ्रेम्स अच्छे लगते हैं ना, जैसे कट कट रहेंगे तो लोग फिर स्टे करते हैं, फिर जब कट्स ज्यादा होते तो लोग स्टे करते हैं। हाँ मतलब अलग अलग मतलब फील बनाने के लिए थोड़ा
क्रेडिट देंगे फिर नीचे उसके फिर पूरी ट्रेनिंग दो ना, पूरी ट्रेनिंग दो रील्स बनाने की. हमको देखो एक रील नहीं बनी हमारी प्रमोशन की तब से, हमें आती ही नहीं है. देखो हम आगे लेकिन कितने दूर से बनाने का हंसा होता बस. इसलिए हम लोगों ने बोला रील एक भी जिंद माही दे उधर नहीं बनी, आज सानू ट्रेनिंग मिलूगी साक्षात खुशी और विवेक. खुशी विवेक जी याद हो गया अभी, खुशी एंड विवेक. खुशी को बहुत सारा विवेक चाहिए. लेकिन दिया अपना दिल से बताना आपको सबसे अच्छी मूवी करने में कौन सी. क्यों कह रहा हूं मैं आपको, कौन से एंगल से दी लगती है मुझे आप ये बताओ. कोको नहीं कहना दी आपने इतना डराया हुआ यार, इतना तो सब लड़कियों को. नहीं नहीं वो नहीं, मैं बोल रहा था आपको मूवी करने में सबसे ज्यादा मजा किसमें आया, मतलब अब तक जितने भी आपने मूवीज की है. पर आपने देखी नहीं ना, मैं बता भी दूंगी. आप बताओ. मैंने शेरबाग़ा भी देखी है अभी कुछ दिन पहले. अच्छा ओटीटी पे. हाँ जी ओटीटी पे देखी है. मुझे सबसे ज्यादा मजा आया आड़म मुटियारा करने में और ये जिंद माही करने में. और भी आया बट ये कैरेक्टर वाइज और सबसे ज्यादा टास्किंग कौन सी थी सबसे ज्यादा टफ ये वाली. जितने लोग आप भी देख रहे हो लोग जल्दी जाके देखो मूवी. कब आ रही थी मूवी अपनी, मतलब मैं सब ऑडियंस को भी बोलना चाहूंगी प्लीज इनसे पूछे मैं ये मुझे दीदी क्यों बोल रहे हैं. खुशी ने मुझे कहा था पहले कि दीदी जी बोलना है. ठीक है नहीं मजाक कर रहा हूँ मैं. तो मूवी कब आ रही है अपनी. 5th August. तो सब लोग चले जाना भाई टाइम से पहले. 5 August पहले आप ऐसे नॉर्मल ऐसे सुन रहे हो. सुनो फिर इधर बोलना कि लाइक उधर वो लड़की है और मैं क्या. अच्छा अच्छा वाला सी सब सब्सक्राइब करें और आप इधर आओ बोलो सब मेरी फिल्म देखेंगे. हाँ फिल्म देखने तो सब जा ही रहे हैं खैर. हाँ और हल्ला मचा देना वहाँ पे. मेरी बात सुनो आपने खुद तो मेरी पिछली फिल्म बोला ओटीटी पे देखी. मैं मारूंगी पकड़ के. नहीं, नहीं, आपने पता, OTT पे ये आपने सिनेमा में देखनी है. नहीं पता क्या होता है ना सोनम हमारे यहाँ मूवी लगती नहीं है. मतलब शुक्र है ना जी सोनम बोला. मतलब ऐसा था ना वो दी बोल दूंगा कैमरे के सामने बेइज्जती होगी. नहीं फिर मैं ये ड्रॉप छोड़ दूंगी कैमरा. नहीं हमारे यहाँ ना मूवी पंजाबी लगती नहीं है. मूवी कहाँ पे. उत्तराखंड में. अच्छा नहीं लगती है. मेरे मम्मी पापा रहते हैं वहाँ पे. नहीं तो वो रेगुलर ऐसे नहीं होता होगा कभी लग रही है कभी नहीं लगती. नहीं रहती अपन इधर ही है लेकिन उस टाइम हम वहाँ पे थे. फिर मेरी दी ने मुझे बोला था कि उन्होंने शेरबाग़ा देखी तो देखना वो बहुत अच्छी है. अच्छा। वैसे डेडिकेटेड तो मैंने वो देखी थी और अब ये देखने जाऊंगा भाई की वजह से. बिलीव मी लेकिन हाँ मतलब सच में घर वाले पंजाबी मूवी देख रहे हैं ना तो थोड़े पंजाबी उनको समझ आने लग गए. मेरे मम्मी पापा रहते हैं रुद्रपुर में तो वो जाते हैं ना देखने. वाह मैं रुड़की से हूँ वैसे. अच्छा रुड़की. थैंक यू सो मच ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग एंड यू हैव टू वॉच आवर फिल्म. श्योर. थैंक यू गाइस. बाय बाय. बाय बाय. Guys, शूट डन हो गया. तो अब हम चलते हैं घर और घर से सीधा हम लोग करेंगे शूट जाके क्योंकि भाई बहुत काम है. सो फाइनली हम लोग शूट खत्म करके आ गए. बहुत मजा आया शूट करने में. पी और भैया बोल रहे थे जब मैं पीछे रह गई विवेक बाहर आ गए. अरे विवेक को बोलो वो व्लॉग नहीं खत्म करके गया. मैंने कहा हम ऐसे व्लॉग करते हैं घर जाके खत्म होगा. तो बहुत मजा आया इन लोगों. लेकिन भाई नेचर ना मतलब सोनम का नेचर भाई नेक्स्ट लेवल. अच्छा 5-7 बार मुझे ऐसा था कि पता नहीं सामने वाला बंदा कंफर्टेबल होगा नहीं होगा. मैं उनको बेचारे कंफर्टेबल करने के लिए दी बोला. वो नहीं मेरा नाम लो कहते मुझे नाम लो मेरा दी मत बोलो मुझे. शी इज कूल. मतलब एक बात और है भाई मतलब जहाँ भी हम लोग शूट करने जा रहे हैं ना भाई उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि कहीं ना कहीं हम उन लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं. अदरवाइज थैंक्स टू गॉड हम लोग हर उस जगह जा सकते हैं जहाँ आप लोग हमें देखना चाहते हो. लेकिन मुझे नहीं आदत लिटरली कि मैं हर जगह जाऊँ. अपने फेवरेट के पास. एक चीज और है जो ज्यादा रिलेट कर रहे थे कि विवेक और सोनम दोनों पास पास के वहाँ से उत्तराखंड से. और भैया ने बोला जैसे जाते बोला उन्होंने मैं आपका काफी कॉन्टेंट देखता तो काफी अच्छा लगा. अच्छा लगा कि मतलब हम बनाते हैं तो सब देखते हैं. अगर मेरी बात सुनो मैं इसको ऐसे करके आंखें बंद कर लूं तो कोई ऐसा नहीं सोचेगा मुझे किडनैप करके लेके. सही यार क्या क्या खुशी है. हेटर को अपने बता दे कहाँ जा रहे हैं जल्दी. नहीं अभी नहीं बता सकते उसी दिन बताएंगे कहाँ जा रहे हैं. लेकिन लवर का तो लव यू है. वीके फैम को बहुत बड़ा लव यू. मस्त एक नंबर शूट रहा है. एक नंबर मजा आ गया शूट करके पता तुझे. लेकिन कल की थकावट से ना बॉडी पूरी दुख रही है. अभी चल रहा है राशन पानी की तैयारी. क्यों चल रही है इतनी जोरों शोरों से वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ. तो मामा जी मामी जी आ चुके हैं कचरा लेने के लिए यहाँ से गाइस. और मैं कचरा मैं हूँ.
तो कचरा जा रहा है वापस, कचरे की स्टडी हो चुकी है कंप्लीट। तो कोमल कैसा लगा तुझे यहाँ का सफर, मतलब लाइक गांव से मुंबई तक का सफर कैसा रहा? लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा, मामा जी तुम्हारा प्रमोशन कर रहे हैं, डिमोशन। जब कैरियर स्टार्ट हुआ था मामा जी मुंबई से लेके आए ऐसे, अब चंडीगढ़, और अब कहते बेटा चलो घर, अब घर चलेगी आगे की स्टडी। लेकिन मामा जी आप कहाँ कहाँ रह के आगे, अच्छा है तो बता दो सबको। अंडमान तो बवजीत पैदा हुआ, बम्बई, जम्मू, सिलीगुड़ी, फिर बम्बई, फिर मुंबई, लैंसडाउन, फिरोजपुर, अखनूर। वाह, हमारे फैन को ये नहीं पता शायद कि आपने अपना सफर शुरू कहाँ से किया था। शुरू आपके घर से। ये ग्रेट। अभी सब लोग गए सोने के लिए तो मैं भी जा रही हूँ सोने के लिए, क्योंकि बहुत नींद आ रही है। आज बहुत जल्दी उठ गए थे 9 बजे, मैं और कोमल बैठ के कुछ पर्सनल बातें कर रहे थे जो हमारी ख़त्म हो चुकी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइज, कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ में। और राधा का बर्थडे भी आने वाला है, सो हम लोग प्लान कर रहे हैं किस बर्थडे। लास्ट टाइम हमने थोड़ा पार्टी टाइप करा था, इस बार थोड़ा अलग सा करें। और हाँ, हमारा पॉडकास्ट आ चुका है रियल हिट के चैनल के ऊपर, जिसमें हमने अपनी सारी लव स्टोरी बताई है, तो फटाफट जाओ उसको भी चेक करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ देंगे हम। बाय गाइज।